इस वक्त हाथरीकुंड बराज पर है और सुनिए खतरे की घंटी, सुनिए एक बार। हाथरीकुंड बराज से लगातार 2.5 लाख पार करने के बाद खतरे की घंटी बज रही है, सुनिए एक बार फिर से। जैसे ही हाथरीकुंड बराज से 2.5 लाख क्यूसिक पानी पार हुआ, हाथरीकुंड बराज से खतरे की घंटी बजनी शुरू होगी। हालांकि ये घंटी 2.5 लाख से ऊपर क्यों बजी है ये तो अधिकारियों से पूछकर हम आपको बताएंगे, लेकिन ये खतरे का सायरन दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के चलते आज सुबह से यमुना उफान पर है और 2.5 लाख पार करने के बाद आखिर इस सायरन का क्या मतलब है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल एक झलक मैं आपको यमुना के इस रुद्र रूप की दिखाने जा रहा हूं, जो 2.5 लाख क्यूसिक पानी के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। बता दें कि जैसे आज सुबह से पानी यहां से निकलना शुरू हुआ, उसके बाद यमुना नगर के कुछ गांव में यह पानी दस्तक भी देना शुरू कर रहा होगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पहले से ही लोग यमुना के पानी से परेशान थे। ऐसे में हाथरीकुंड बराज से निकला 2.5 लाख क्यूसिक पानी एक बार फिर से दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। हालांकि यह पानी 48 से 72 घंटे के बाद दिल्ली में दस्तक देगा। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, हाथरीकुंड बराज।